welcome back to my channel. So from today onwards, I'm gonna start off with the festive episodes in which I'll be sharing my special recipes with you people. And today I'm going to make special type of Mughlai paratha along with a green chutney and of course a drink that is virgin mojito. And without any delay, let's get started. तो सबसे पहले क्विक सी चटनी बना लेते हैं. उसके लिए मैंने एक कप धनिया लिया है और इसमें थोड़ा सा पुदीना मिलाएंगे, सिर्फ एक चम्मच के बराबर. एक इंच ये अदरक और एक मिर्ची. मिर्ची काफी तीखी है तो मैं एक ऐड कर रही हूँ बस. थोड़ा सा लेमन जूस, टू पिंचेस ऑफ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा नमक और एक पिंच भुना जीरा. ये सब कुछ का पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा लाइक टू टीस्पून हमें पानी की जरूरत होगी. तो ये सारा कुछ ब्लेंड करके एक चटनी बना लेते हैं. और ग्रीन चटनी इज रेडी. बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं. अब चलते हैं मुगलई पराठे की तरफ. तो सबसे पहले मुगलई पराठे के लिए डो रेडी कर लेते हैं. तो ये एक कप मैदा लेंगे. अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे. हम फिलिंग बनाने के टाइम भी सॉल्ट ऐड करेंगे तो डो में ज्यादा नहीं यूज करना है. दो चम्मच ऑयल यूज करेंगे मोइन के लिए. अब ये मिक्स करेंगे. आटे में सारा कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब पानी डाल के एक मीडियम हार्ड डो रेडी करेंगे. डो यहाँ रेडी हो चुका है. अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे. तो जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं. इसके लिए मैंने ये पनीर लिया है अराउंड 150 ग्राम्स. अब इसको ग्रेट कर लेंगे. ग्रेट कर लिया. अब इसमें मैंने ये दो फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिली ली है और ये थोड़ा सा धनिया लिया है. इसमें नमक ऐड करेंगे. हमने डो में भी नमक ऐड किया था तो उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा. थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च. दैट्स इट. अब इसको मिक्स करते हैं. फिलिंग के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो. पनीर में आप वेजीज भी ऐड कर सकते हो या फिर आप आलू की भी फिलिंग बना सकते हो. आलू जो हम आलू सैंडविच बनाते हैं उसकी फिलिंग जो होती है सेम आप डो में फिल करके उसका भी मुगलई पराठा बना सकते हो. इट्स अप टू यू. तो मैं बस आज सिंपल वाला पनीर का मुगलई पराठा बना रही हूँ. ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है. फिलिंग भी रेडी है और डो भी रेडी है. तो अब मुगलई पराठा बनाते हैं. अब रोल आउट करते हैं थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके. तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे इसको भी बेलना है. अब इसमें फिलिंग डालते हैं. फिलिंग हम एक साइड डालेंगे और इधर से फोल्ड करके नॉर्मली जैसे तो फोल्ड करके बस एंड को लॉक करना है. और फिलिंग थोड़ी ज्यादा ही भरेंगे तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है. और इसको बस ऐसे पिंच कर करके लॉक कर देना है. पहला मुगलई पराठा रेडी है. तो बाकी का भी सेम वैसे ही बना लेंगे. ऐसे ही टक करना है. और अगर ये काम ऐसे ना हो डो से तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हो. अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ. ओके सो इट्स परफेक्ट फॉर फ्राइंग. अब मुगलई पराठा ऐड करेंगे. तो ये मीडियम हॉट ऑयल है. बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं रखती हूँ ऑयल को. इसको क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे. इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स टू फ्राई.
ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं, जल्दी से वर्जिन मोहितो बना लेते हैं। तो मेरे पास मडला नहीं था, तो मैं इसमें ही पाउंड करने वाली हूँ। ये थोड़े से मैंने नींबू लिए हैं, इंक्लूडिंग दी वेजेस, और इसी में पुदीना ऐड करूंगी, थोड़ा सा काला नमक जस्ट अ पिंच, और दो बड़े चम्मच चीनी, ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है। अब सबको धीरे धीरे पाउंड करेंगे, बहुत ज्यादा भी पाउंड नहीं करेंगे क्योंकि वेजेस का टेस्ट हमें ड्रिंक में नहीं चाहिए, वरना ड्रिंक हमारी कड़वी हो जाएगी। एंड दैट्स इट, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब इसको ग्लास में ऐड करते हैं। अब इसी में हाफ लेमन जूस भी ऐड करेंगे। मैं स्प्राइट यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो सेवन अप या फिर ड्यू भी ऐड कर सकते हो। इसको हम ब्रिम तक नहीं फिल करेंगे, लाइक 3/4 फिल करेंगे, और बाकी का हम सोडा ऐड करेंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द आइस क्यूब, तो आइस ऐड करते हैं। जस्ट गिव इट अ क्विक स्टर एंड इट्स रेडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do let me know in the comment section if you like this episode of festivity, and do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. See you in the next video. Bye bye.